हेलो एवरीवन, आई एम चेतन, स्टूडेंट ऑफ LITCF क्लास 10th। आज हम लोग वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। लेट अस सी स्टेप बाय ऑल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? हमें पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल पता करने के लिए पहले रेडियस पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं वृत्त की परिधि इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, 8 पाई। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 8 पाई। ये इज इक्वल टू और रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई बाय 2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा, तो यहाँ से रेडियस निकल के आएगा हमारा 4। अब हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पाई में ही है, इसीलिए रेडियस हमारा है 4। 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, 4 का होल स्क्वायर 16 और पाई को पाई ही रहने देंगे, तो हमारे आंसर है 16 पाई। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 पाई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप है। वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप है, तो परिमाप दिया हुआ है हमारे पास, वृत्त का चतुर्थांश एक परिमाप है। परिमाप पूछा है हमसे, रेडियस दिया हुआ है 7/2, हमारे पास रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर, तो हमें एक चतुर्थांश का परिमाप पूछा है। तो चतुर्थांश का परिमाप होता है, चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, चतुर्थांश का परिमाप इज इक्वल टू पाई आर बाय 2 प्लस 2 आर। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, तो पाई आर, तो पाई का वैल्यू लिख देंगे यहाँ 22/7 और नीचे मल्टीप्लाई में 2 था, तो 2 का 2 हो जाएगा और रेडियस हमारा है 7/2, इसीलिए 7 नीचे भी 2 आएगा इंटू 2 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारा 7/2, ये हो जाएगा 2 से 2 ख़त्म, यहाँ पे भी हम 7 से 7 को कट कर देंगे और यहाँ से 11 बार में कट हो जाएगा, तो हम करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 11/2 प्लस 7। तो अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, चलिए हम ऊपर में करते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 2 एंड 11 प्लस 1 से 2, तो 2 इंटू 7 14 हो गया, यह क्या हो गया 25/2, ये 25 है, 25/2, इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा 12.5, ये हमारा आंसर रहेगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12.5 सेंटीमीटर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें पूछा है, उस वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल, दो वृत्त जिसका व्यास 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, हमें यही पूछा है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कि D1 इज इक्वल टू, हमें व्यास दिया हुआ है, तो मान लेंगे D1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा 16/2, यानी R इज इक्वल टू D/2 होता है, तो 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। R1 क्या आया, 8 सेंटीमीटर, और R2 क्या होगा,
ट्वेल्व बाई टू यानी 6 सेंटीमीटर। हमें आर वन और आर टू मिल गया है, तो हमें निकालना है क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा जिसका क्षेत्रफल, तो उसका हम रेडियस मान लेते हैं बड़ा आर। हमें डायमीटर पूछा है तो रेडियस मान लेते हैं बड़ा आर उसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसका क्षेत्रफल उन दोनों के योग के बराबर हुआ। तो चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बड़ा आर यानी जो जिसका हमें निकालना वो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वो होगा इन दोनों का, पाई आर वन का होल स्क्वायर प्लस पाई आर टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर आ गया, यहाँ से हम पाई कॉमन करेंगे, पाई कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। इधर भी पाई है इधर भी पाई है, कट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन के वैल्यू कितना है, आर वन का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 का होल प्लस आर टू का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर ना होल। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारे पास 10 का होल स्क्वायर, से लिख सकते हैं हम 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर जब स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर यानी 10 × 10 है। जब अंडर रूट के अंदर दो होते हैं तो एक निकलता है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमें बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या मिल गया, हमें पूछा क्या, हमें डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2R, तो हम बड़े वाले का लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 2R। हमें R पता है तो 2 × R कितना है 10 इज इक्वल टू हमें 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर पता चल गया। किसका डायमीटर है, ये बड़ा वाला वृत्त का जो इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन पूछा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या है। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल करने का मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, परिधि पूछा है तो 2πr हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना होगा। तो इसका व्यास पूछा है, हमें डायमीटर पूछा है, डायमीटर इज इक्वल टू वाट, तो हम यहाँ से कर लेंगे, इधर भी पाई है इधर भी पाई है कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर होगा 2R। हम आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं और इधर 2R है, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा आर इज इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 आया। हमें डायमीटर पूछा था तो हमें डायमीटर इक्वल टू क्या पता है, डायमीटर इक्वल टू 2R पता है, तो हम लिखेंगे 2 × रेडियस कितना है, रेडियस 2 है यानी डायमीटर इक्वल टू 4 हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 4 इसका, इसीलिए इसका ऑप्शन सी 4 इकाई इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें पूछा है यदि एक अर्धवृत्तीय चांदा का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या है। हमें डायमीटर पूछा है, अर्धवृत्तीय चांदा का परिमाप, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, ये एक पूरा सर्कल है और इसमें अगर इसको हम देखें तो ये एक यहाँ से लेके ये मतलब ये जो है ये एक अर्धवृत्त है, तो हमें इसका परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर यानी लिखेंगे अर्धवृत्त चांदा का परिमाप हमें क्या दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। ये तो आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि इसका जो पूरे वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है। तो अर्धवृत्त का करेंगे तो 2πr बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म तो पाई आर बचा। और यहाँ से ये जो डायमीटर है उसको हम आर आर से नोटिस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन के निकलता है पाई आर प्लस 2r, यहाँ पे इज इक्वल टू 36 है दिया हुआ। यहाँ से हम r कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचता है पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36 आर, पाई का मान 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो हम करेंगे आर का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम होगा 7/22 प्लस 1 से 7 यानी 7 × 7 × 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36/7 इज इक्वल टू 36/7 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। और फिर से अगर उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7/36। 36 से 36 कैंसिल, आर इज इक्वल टू हमारे पास आया 7 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है, हमें डायमीटर पूछा है तो हमें डायमीटर इज इक्वल टू पता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। 2 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 7 है इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। टू इंटू 7 14 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर मिल गया 14 सेंटीमीटर। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या होगा। हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पाई का मान हो जाएगा यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22/7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, और अगर उसको फिर से मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/22। 22 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 7 × 7। अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास अंडर रूट 7 × 7 आता है। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू क्या मिला, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा, परिमाप पूछा है तो हमें रेडियस मिल चुका है, तब हम परिमाप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए लिखेंगे वृत्त परिमाप इज इक्वल टू, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, 2πr 2×22/7 पाई का मान 2, हमें रेडियस कितना पता है 7, 7 से 7 कैंसिल 44 बचा हमारे पास 44 सेंटीमीटर। यही हमारा परिमाप 44 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है, इसका ऑप्शन भी 44 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल है। अंतःवर्ग का क्षेत्रफल कहने का मतलब मान लीजिए कि एक ये वृत्त है, इसके अंदर ये एक वर्ग है। हमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, इसका मतलब वृत्त का ये सेंटर है यहाँ से यहाँ तक। एक वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है यानी ये रेडियस है।
यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये जो लाइन है, ये वृत्त का तो डायमीटर है, लेकिन वर्ग का क्या है? वर्ग का विकर्ण है। तो लिखेंगे यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण इज इक्वल टू 8 + 8 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। हमें जब विकर्ण पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम विकर्ण से कैसे निकाल सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। ये एक फॉर्मूला है, और आप चाहे तो इसे यहाँ से ऐसे मिला के यहाँ पर 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो आप उसे पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हैं। हम यहाँ से इसे डायरेक्ट बना दे रहे हैं। विकर्ण हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, 16 का होल स्क्वायर बाई 2। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है? 256 बाई 2। तो इसे हम कट करेंगे तो कितना आएगा? 128 सेंटीमीटर आएगा। 128 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 128 सेंटीमीटर। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमारे पास दिया हुआ है वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि दी हुई है, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2π दी हुई है। वृत्त की परिधि हमें क्या पता है? 2π r इज इक्वल टू 2π, इधर हो जाएगा r इज इक्वल टू 2π। इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो 2π से 2π कैंसिल कर दिए, थिंक क्या बचा? 1, r इज इक्वल टू 1 आया। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 2π से लाकर, अगर क्षेत्रफल निकालते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल रेडियस अगर 1 मानकर, तो हमारा हो जाएगा πr² पाई 1 का होल स्क्वायर, रेडियस 1 है। क्षेत्रफल कितना आया? पाई आया। क्षेत्रफल हमारे पास पाई आ गया। अब हम लोग इसका करेंगे, 4π अगर कर दी जाए वृत्त की परिधि तो क्या होगा? वृत्त की परिधि 4π कर दी जाए इज इक्वल टू 4π। वृत्त की परिधि क्या पता है? 2πr इज इक्वल टू 4π। यहाँ से r इज इक्वल टू 4π/2π, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 4 दो बार में कैंसिल, r इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लिखेंगे क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr² पाई को पाई ही रहने देंगे। रेडियस कितना है हमारे पास? 2 है, 2 का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया? 4π। तो हमारे पास जब क्षेत्रफल 4π आ गया, जब उसकी परिधि 2π थी तो हमारे पास क्षेत्रफल तो सिर्फ पाई, लेकिन जब परिधि बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो हमारे पास क्षेत्रफल 4π आ गया। यानी पहले वाले क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 4 गुना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ये इसका ऑप्शन डी बहुत बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9th क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कहने का मतलब 2πr,
और त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का मतलब रेडियस, तो माइनस रेडियस अंतर पूछा तो माइनस आर इज इक्वल टू 37, कितना दिया हुआ हमारे पास 37 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr-r। तो हम यहाँ से r अगर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2π-1 आ जाएगा कॉमन, और 37 इधर है। r इज इक्वल टू 2 इंटू 22π-1 इज इक्वल टू 37। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44π-7-1 इज इक्वल टू 37। हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, तो हमारे पास हो जाएगा आर 7 44 माइनस 17 कितने बार जाएगा 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 37। आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 37 आर इंटू 37π-7 इज इक्वल टू 37। 37π-7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, फिर डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 7π-37 मिलेगा हमको। तो 37 कैंसिल, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें यार 37 मिल गया। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7। आर आर कितना पता है हमें 7 का होल स्क्वायर इंटू, इसका मतलब 7 × 7 तो होगा 7 × 7 कैंसिल, तो हमारे पास हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्वेश्चन दिया हुआ है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, दो वृत्तों की परिधि तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 और दूसरे वाले की R2। तो आप लिख सकते हैं माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू R2। हमें R1 और R2 पता चल गया, तो हमें बोला है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलेंगे तो दो वृत्तों की परिधि का अनुपात, यानी कि दो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो पहली वृत्त की परिधि हो गई 2πr1/2πr2, यही ना होगा अनुपात पूछा है, तो इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/4 हो सकता है कि नहीं, 2π से 2π कैंसल, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से R1 इज इक्वल टू कितना आया, R1 इज इक्वल टू 3 और R2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो मैं पूछा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे हो जाएगा πR1/2πr2। पाई से पाई कैंसल, R1 क्या पता है हमें, R1 का है 3 वैल्यू पता है हमें, बाई R2 का वैल्यू है 4 पता है, तो 3 का होल स्क्वायर का 9/4 का 16, जिसे हम लिख सकते हैं 9:16 लिख सकते हैं।
ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी इसका बहुत ही सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, बस इतना ही। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए होंगे, तो ठीक है। और अगले क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।